कोरोना के चलते शहर में लॉकडाउन किया गया है, जिसके चलते रोज मजदूरी करने वाले लोग हो या अस्पताल में इलाज के लिए बाहर गांव से आए हुए लोगों को निस्वार्थ अन्न पुरोठा पथक द्वारा राशन व भोजन का वितरण किया जा रहा है। शहर के निस्वार्थ अन्न पुरोठा पथक द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप से शुरुआत कर राशन भोजन का वितरण भी इस पथक द्वारा किया जा रहा है। शहर के बाबुलवन गरोबा मैदान पर निस्वार्थ पथक द्वारा रोज भोजन बनाया जाता है और वहीं से जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। आता सध्याच्या परिस्थितीत या कोरोना या संसर्गजन्य रोगांनी जसा पूर्ण जगात थैमान घातलेला आहे, त्याची तसंच ईश्वर से मानव सेवा ही ईश्वर सेवा समजून निस्वार्थ सेवा पथक हे ओपन करण्यात आलं। त्यामध्ये राजदादा खंडारे, ललितदादा, विजूभाऊ राजूरकर, सचिन गुजर हे स्वतः कार्यरत आहे आणि त्यांनी स्टार्टिंगपासून रुग्णसेवा ही स्थापित केली आणि त्याच्यात ब्लड डोनेशन कॅम्प घेण्यात आले। नंतर 3 एप्रिलपासून लोकांची गरज पाहून जशी रिक्वायरमेंट आली लोक पोलिसांपासून किंवा लोकांपासून त्याप्रमाणे अन्नाची आणि कडधान्य जशी गरज वाटेल तशी लोकांना पुरवतात। पोलीस प्रशासनाचं कसं सहकार्य मिळतं तुम्हाला? पोलीस प्रशासनाचं एकदम अप्रतिम आम्हाला सहकार्य भेटतं आहे। त्यांनी आम्हाला परिपूर्ण सहकार्य दिलं, ज्या ज्या ठिकाणी त्यांना लोकांनी रिक्वायरमेंट केली पोलिसांनी, पोलिसांना आम्हाला सांगितलं आणि त्यानुसार आम्ही निस्वार्थ सेवा पथक या पथकानुसार त्यांना मदत करतो। ह्या सर्व COVID-19 म्हणजे लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून आम्ही हे कार्य करत आहे। कार्य आधी छोट्या लेवलला होते, म्हणजे जितकं होईल समाजा दृष्टिकोनातून स्वतः करत होतो। नंतर एकत्र येण्याचा चान्स मिळाला, तो म्हणजे लॉकडाऊन झाल्याने आपल्या गव्हर्नमेंट रक्तपेढीमध्ये रक्ताची कमतरता भासायला लागली। त्यानंतर आम्ही छोटे छोटे कॅम्प्स घेणं सुरू केले, ज्या हिशोबाने गव्हर्नमेंटने लिमिट्स दिले की 30 व्यक्तींना घेऊन तुम्ही कॅम्प करू शकता। एक दिवसाआड आम्ही डेली कॅम्पिंग केले। त्यानंतर आम्हाला असं कळलं की आता कॅम्पिंगसोबतच अन्नाचीही गरज भासत समाजामध्ये, तर आम्ही प्रयत्न केला, आमचा प्रयत्न यशस्वी ठरला, थोड्या रीत्या आम्ही करणं सुरू केलं आणि हा समस्त जो ग्रुप आहे निस्वार्थ भावनेतनी एकत्र झाला आणि निस्वार्थ भावनेतनी आम्ही पूर्ण कार्य करत आणि आम्ही याचा पूर्ण प्रामाणिक प्रयत्न। लॉकडाउन के चलते गरीब जरूरतमंदों को भोजन व राशन पहुंचाने के लिए समाज से कई मदद के हाथ सामने आए हैं। उसी में से एक है निस्वार्थ अन्न पुरोठा पथक, जो अपना सामाजिक दायित्व इस संकट के घड़ी में निभा रहा है। कोरोना के पार्श्वभूमि पर जहां सारा देश त्रस्त है, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी है जो निस्वार्थ मन से सेवा भाव यहाँ पर कर रहे हैं। जी हाँ, नागपुर के कुछ नवयुवक मंडल जो है निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने उनसे बातचीत की है और ये ब्लड डोनेशन से लेकर इन्होंने शुरुआत की थी। जिस तरह से इन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर इन्होंने फिर रेशनिंग किट की बात करें या फिर पकाया हुआ खाद्य है जो इसके पैकेट बना के ये इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है और बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ये सब अपनी कोशिशों को अंजाम तक लेके जा रहे हैं। इसके बावजूद इन लोगों का आग्रह यह है कि लोग अपने घरों में ही रहें, इनको वो सहकार्य करें, प्रशासन को सहकार्य करें। आज ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों में बने रहें और जिस तरह से ये नवयुवक मंडल लोगों की सेवा कर रहा है, हम भी खुद अपने घरों में रहकर अपनी सेवा कर सकते हैं। वीरेंद्र के साथ रत्नाकर की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़ के लिए।